हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है मैं हूँ राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट तो आज मैं आपके लिए एक विशेष लेके आया हूँ और उस विशेष में होगा आज मैं आपको झारखंड में जो बीस हजार पद हैं उसमें कैसे सेलेक्ट हुआ जाएगा उसके लिए एक मैराथन लेके आया हूँ और उसमें मैं आज आपके लिए कम से कम सौ प्रश्न लेके आया हूँ और यहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे और आपके एग्जामिनेशन में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अनीशा गुड इवनिंग और शिवानी गुड इवनिंग श्वेता सिन्हा अनुपम सिन्हा अनुपम गौरव फनी एंड मोटिवेशनल वीडियो आप सभी लोगों का स्वागत है आ जाइए इस शानदार क्लास में अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस एस टी विद राजा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन जरूर कर लें यह है आज का हमारा कि पूरा के पूरा जो आज हमारा क्या प्लान है आज हमारा प्लान है कि हम आज बात करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती की जब से आपको पता है सी का ये हुआ है कि सी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं उससे तो अब यहां पर सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी डेट भी हो सकता है आगे बढ़ जाए और छब्बीस हजार पदों में हो सकता है कि एक पद आपका हो इसके लिए मैं लेके आया हूं संपूर्ण जीएस और एस एस टी महामैराथन अब से आप एक दो घंटे आप लगातार मेरे साथ बने रहो जहां पर मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी एन की बुक एस की बुक से बहुत सारे प्रश्न आपको कराने वाला हूं तो चले इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं सबसे पहले भारत से तो आइए भारत से प्रारंभ करते हैं हाँ सारे लोग जो भी जो जिसके सिलेबस में हिस्ट्री आती है जिसके सिलेबस में पॉलिटी आती है जिसके सिलेबस में करंट अफेयर्स आती है वो सब इस क्लास को ले सकते हैं हाँ अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी ही इसलिए सारे लोग जो भी मेरे स्टूडेंट हैं सारे लोग इसका फॉर्म जरूर भर दें हो जाएगा बहुत जल्दी ही क्योंकि प्रक्रिया आराम आराम से ही चलती है और आज मैं पूरी की पूरी, की पूरी क्लास करवाने वाला हूं ध्यान रखो तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की तो हम सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं इंडिया की बात करेंगे और इंडिया के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होगा कि भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है दुनिया में छह ही ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं और उनका नाम निश्चित रूप से आपको पता होगा अब यहां पर देखेंगे सातवें सबसे बड़े देश में और भारत के पास बत्तीस लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र टू पॉइंट फोर परसेंट है ठीक है नहीं और यहां पर लगभग लगभग अठारह परसेंट के आसपास जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की तो सोचिए अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में हर छठवां व्यक्ति भारतीय है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी ये आपको याद रखना तो आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ट्वेंटी एट स्टेट हैं ठीक है क्या हैं राज्य हैं और ट्वेंटी एट स्टेट होने के साथ साथ यहाँ पर आठ यूनियन टेरिटरी हैं और उन राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा झारखंड ठीक है नहीं यहां पर आपको जो दिख रहा है ये झारखंड आपको दिखाई दे रहा है झारखंड की भूमि है उसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आज मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी ढेरों सारी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में होगा हां झारखंड वाले रीओपन पता होगा सौ परसेंट होगा तो आप टेंशन मर लो इसके लिए तो आपको सबको मौका मिलेगा अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो फिर उनको देना ही पड़ेगा उसमें रोक नहीं लगा सकते है ना अंजू कुमारी गुड आफ्टरनून जिनको मैंने गुड आफ्टरनून नहीं बोला है उनको भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून बस वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर करवाने के लिए भी भेज दो ताकि वो बहुत सारी चीजें यहां से जुड़ सकें और बहुत सारी चीजें यहां से सीख भी चुके देखो सबसे पहले क्या है ये भारत है और इस भारत में 28 राज्य हैं इसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है यह आपको ध्यान रखना चाहिए पहले नंबर पर आपका राजस्थान है यह आपको पता रहना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं हाँ सीटेड पास अब वहां पर कहीं से भी सीटेड पास हुआ उसको मान्य कर दिया गया है और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है चौथे नंबर पर आपका यूपी आता है और पांचवें नंबर पर आपका आता है गुजरात वही छठवें नंबर पर कर्नाटक सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश आठवें नंबर पर उड़ीसा और नौवें नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़ वहीं दसवें नंबर पर तमिलनाडु और ग्यारहवें नंबर पर आता है तेलंगाना बारहवें नंबर पर आता है आपका बिहार तेरहवें नंबर पर आता है ठीक है पश्चिमी बंगाल चौदहवें नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश चौदह में और पंद्रहवें नंबर पे आता है आपका झारखंड ये आपको पता होना चाहिए झारखंड ठीक है तो झारखंड भारत का पंद्रहवा सबसे बड़ा राज्य है ये बात आपको पता होनी चाहिए हाँ या ना पता है कि नहीं, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि यह पंद्रहवा राज्य है इसका मतलब है कि झारखंड से तुरंत छोटा कौन सा है तो आप याद रखो अरुणाचल प्रदेश है और इससे तुरंत नहीं तुरंत बड़ा कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश और छोटा कौन सा है तो वो है असम तो ये भी आपको याद रखना है यानी असम आता है आपके सोलहवें नंबर पर तो ये है झारखंड आज हम झारखंड की भूमि और आज हम महेंद्र सिंह धोनी की भूमि के बारे में बात करेंगे आप सब लोगों की भूमि की बात करेंगे है ना? हाँ जी। ये है ना जी आपका पूरा के पूरा के झारखंड का एक मैप एक जनरली मैंने मैप बना दिया है और आप देखो यहां पर यह जो सीमा दिखाई दे रही है यह बिहार की है ठीक है नहीं यहां पर क्या है बिहार तो बिहार से इसके कितने जिले लगते हैं नंबर एक गढ़वा लगता है दूसरा पलामू लगता है तीसरा पलामू झारखंड एक पढ़ने भी आते थे यहाँ पर स्टूडेंट है ना उनका सिलेक्शन हो गया मैं चाहता हूँ आपका भी सिलेक्शन हो जाए ठीक है सब भर सकते हैं चतरा चतरा के बाद आपका हजारीबाग उसके बाद कोडरमा उसके बाद ग्रीडीह उसके बाद देवधर उसके बाद दुमका उसके बाद ठीक तो है गोड्डा और उसके बाद आपका है साहिबगंज यानी सात के सात जिले आपके बिहार से लगते हैं याद रखें क्या उत्तर प्रदेश से भी कोई राज्य लगता है कोई जिला लगता है तो आप याद रखना यह है उत्तर प्रदेश और यहां से केवल और केवल एक ही जिला लगता है जिसका नाम है गढ़वा ठीक है नहीं नाम जरूर याद रखना उसका नाम क्या है गढ़वा तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए वही छत्तीसगढ़ से गढ़वा लगता है है, और इसके बाद लातेहार लगता है या गुमला लगता है और सिमडेगा लगता है तो यहां पर एक हो गया यहां पर दो हो गया यहां पर तीन हो गया और यहां पर चार हो गया तो ये छत्तीसगढ़ से लगते हैं इधर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा से भी सीमा बनाता है यहां पे देखेंगे तो यहां पर सिमडेगा ठीक है पश्चिमी सिंहभूम और इसके बाद आपका लग रहा है सराय केला ठीक है खरसावा और पूर्वी सिंहभूम यानी इस तरह से चार के चार आपको जो दिख रहे हैं ना ये किससे लगते हैं उड़ीसा से लगते हैं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पर साहिबगंज एक ठीक है पाकुड़ दो दुमका तीन जामतारा चार पांच धनबाद छह बोकारो ठीक है सात रामगढ़ आठ रांची नौ यहां पर शरायकेला यहां पर नौ और फिर यहां पर दस यानी दस लगते हैं आपके पश्चिम बंगाल से और दस लगते हैं बिहार से दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ठीक है नहीं सर मेरा मायका गिरी डी है चलिए श्वेता सुमन बहुत बहुत ठीक है बहुत बढ़िया बात है अमृता जी सी वाले भी भर सकते हैं हाँ सी वाले भर सकते हैं पूजा झा गुड आफ्टरनून चलिए तो अब आप यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ झारखंड के बारे में याद रखना कि झारखंड की सीमा कितने जिलों कितने देश कितने राज्यों से लगती है तो आपको याद रखना है कि एक तो बिहार से लग रही है एक आपकी यूपी से लग रही है यहाँ से यूपी से यहाँ से आपकी छत्तीसगढ़ से लग रही है फिर यहाँ से आपका उड़ीसा से लग रही है और उड़ीसा के बाद यहाँ पर आपकी वेस्ट बंगाल से लग रही है ठीक है नहीं झारखंड जो है ना तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ना जली सीमा बनाता है यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए है ना अब देखो यहां पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा ये ये दिखाई दे रहा है ये वाली जगह तो यहां पे देख लो ये रहा यानी अगर समुद्र से अगर आपको समुद्र में जाना पड़े तो सबसे नजदीक आपका पूर्वी सिंह भूमि है ये याद रखना यहां से आप बंगाल की खाड़ी में आराम से चले जाओगे ये बात आपको पता होना चाहिए सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो यहाँ पर साहिबगंज सबसे उत्तरी जिला है और पश्चिमी सिंह भूमि सबसे दक्षिणी जिला है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए है ना और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पूर्वी जिला भी साहिबगंज है और सबसे पश्चिमी जिला बात करेंगे तो वो गढ़वा है देर द राइट आंसर ये बात आपको ध्यान रखनी है कुछ कुछ चीजें ठीक है नहीं आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर कि इसका गठन कब हुआ था है ना फिर क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा मैं अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था बिहार में से ये अलग हुआ है ये आपको पता होना चाहिए इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है रांची है और जनसंख्या इसकी कितनी है 2011 के अनुसार ये आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पर का तीन करोड़ उनतीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौंतीस इतनी यहाँ की जनसंख्या है ये बात आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए है ना याद करते जाओ ओके okay? और इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है तो देख लो यहाँ पर सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवन वन जीरो वर्ग किलोमीटर है ध्यान रखो और इसमें कुल जिले कितने हैं चौबीस है और इसकी जो उच्च न्यायालय कहाँ है यहाँ पर रांची है रांची याद रखना रांची के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक ठीक है नहीं तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा के सबसे निकट है जो ध्यान रखना है झारखंड के कुछ राजकीय प्रतीक हैं जो आपको याद रहना चाहिए ठीक है नहीं झारखंड के कुछ प्रतीक भी हैं जो आपको याद रहने चाहिए चालू है ठीक है नहीं तो झारखंड में देखो इनके राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर क्या राजकीय पशु तो राजकीय पशु कौन सा है हाथी है की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आपको हाथी का नाम पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए आपको सर हाँ पता होना चाहिए ठीक है नहीं पूजा एंटरटेनमेंट वीडियो अंतिमा प्रजापति गौरव कुमार श्वेता सुमन गौरव कुमार रूबा दहवा ठीक है एंटरटेनमेंट और अनुपमा पाल और पूजा ठीक है सर मैथ साइंस का भी प्रैक्टिस करा दीजिए बिल्कुल होगा टेंशन मत लो मैं मैथ तो नहीं जानता साइंस तो जानता हूँ थोड़ी बहुत है ना <laughs> सी टेड में बयासी पार बारे भी भर सकते हैं हाँ भर सकते हैं देख लेना वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मुझसे पूछ लिया करो एस एस टी मित्राजाना टेलीग्राम पर है ना चलिए स्टडी वाई सी पी यादव कैसे हो आप बताओ ठीक है कहाँ से हैं पूजा चलिए तुम तो बस आपस में बात कर लो फिर कोई बात ही नहीं है अब हाथी का वैज्ञानिक नाम याद रखो एलिफेंस मैक्सिमम इंडिकस ठीक है मैक्सिमम यानी बड़ा है एलिफेंस पता है, याद रखो इंडिया इंडिया में ऐसी पूजा जाता है राज की पशु कौन सी है कोयल है ये कोयल क्या है दूसरे के घोंसले में अंडे दे देती दे है यानी खुद अपने बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं करती ये कौआ को बेवकूफ बनाती है तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाना भी सीखो ठीक है नहीं कोयल से आप लोगों को बेवकूफ बनाना भी सीख सकते हैं तो ये भी सीख लो बहुत जल्दी एग्जाम होगा ठीक है इोडनास मस इसकोलोपेसिस ये है राज की है वृक्ष देखें तो साल है ठीक है वैज्ञान के नाम क्या है शोरिया रोबस्टा है ना राज की पुष्प कौन सा है पलाश है ठीक है यूपी का भी यही है ब्यूटिया ठीक है मोनोस्पर्मा प्रतीक चिन्ह क्या है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का आकार गोलाकार है जो विकास के प्रतीक का सूचक है यहां पर ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए मैं आपको जीएस करा रहा हूं यहां पर जीएस ठीक है ना जीएस आपके सब में आता है आपका पेपर फर्स्ट में भी आएगा सेकंड में भी आएगा अगर आपने एसएसटी एसएसटी ले रखा तो भी मैं आपको यहां पे करा रहा हूं ठीक है नहीं हाँ जी हो जाएगा अब देखते हैं इसकी भौगोलिक अवस्थिति तो भारत के उत्तर पूर्व में भाग में है अच्छा विस्तार देखेंगे तो इक्कीस डिग्री अट्ठावन मिनट नॉर्थ से एक पच्चीस अठारह नॉर्थ है देशांतर विस्तार तिरासी बयासी ईस्ट से लेकर सतासी सतासी सत्तावन ईस्ट है राज्य का ज्योमती आकार चतुर्थाकार है यानी चतुर्भुजाकार है क्वाड्रिलेटरल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह केवल और केवल 2.4 प्रतिशत है यह जरूर याद रखना महत्वपूर्ण है इसके अलावा राज्य की लंबाई और कितनी है तो 380 किलोमीटर है ठीक है राज्य की चौड़ाई कितनी है तो चार किलोमीटर है रख लो दिमाग में भर के कभी भी आपके लिए काम आ सकता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पश्चिमी सिंह भूमि सबसे बड़ा जिला है सबसे छोटा जिला कौन सा है तो रामगढ़ सबसे छोटा जिला है राज्य की जलवायु कैसी है तो मानसूनी है औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है मुख्य फसल यहाँ पर धान है यानी चावल है ठीक है अधिकतम तापमान यहां पर अड़तीस डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है और न्यूनतम 10 डिग्री तक ही जाता है कुल वन भूमि कितनी है तेईस वर्ग किलोमीटर है ठीक है झारखंड का लगभग लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा वन से कवर है यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए है ना बताओ ठीक है ना अरे भर जाएंगे और तो पढ़ लो उसके बाद बहुत सारा टाइम है बहुत सारा टाइम है आप निश्चित रूप से राज्य का पहला इस्पात कारखाना कहां पर है तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए जमशेदपुर में है राज्य का ओलंपिक में भाग लेने वाला हॉकी टीम का कप्तान कौन है तो जयपाल सिंह मुंडा है राज्य का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो जे आर डी टाटा है नाम याद होगा प्रथम जनजाति विद्रोह था यह ढाल विद्रोह हुआ था सत्रह से सतर में राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है लातेहारा में राज्य में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो पार्शनाथ है जो छोटा नागपुर पठार में है और राज्य का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है तो सूर्य कुंड हजारी बाग है ऐसा आपको याद रहना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए ठीक है नहीं अब आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पर और चलिए अब आते हैं उन सारे प्रश्नों पर जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैं हूं राजराड़ा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट तो सुपर स्टूडेंट बनने वाले हैं अब झारखंड का भी भविष्य बनाने वाले हैं ठीक है नहीं कब तक भरे जाएंगे सर वो मैं आपको कल बता दूंगा इसका वैसे विंडो इसकी रूई ओपन तो होनी होनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसके हिसाब से सारे राज्यों को काम करना पड़ता है आगे देखते हैं कोई ना लगाए तो यहां पर होगा ही होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है है ना चलो अब इसका आंसर देना प्रारंभ कर दो जो जो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं वो प्रश्न आप मुझे बताइए चलो निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है पहली बात बताओ शिक्षा का अधिकार तो पहली बात तो याद रखना जो शिक्षा का अधिकार है ना वो हर किसी को प्राप्त नहीं है छह से लेकर चौदह वर्ष तक के बच्चों को है ठीक है अब आप अगर पांच साल के हो तो शिक्षा का अधिकार नहीं है और अगर आप पंद्रह साल के हो तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है ये शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है मूल अधिकार है ये भी आपको याद रहना चाहिए मूल अधिकार का मतलब ये है कि आप सरकार से डिमांड कर सकते हो कि मेरा यह अधिकार है तो मुझे दो तो सरकार क्या करेगी आपके यहाँ पर स्कूल बनवाएगी वहाँ पे टीचर रखेगी और फ्री में आपको शिक्षा देगी यहाँ तक कि अब तो खाना भी मिलता है मध्यान्ह खाना जो मिलता है वो अभी आपको पता होना चाहिए और ये सब हुआ था छियासीवा संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बात आपको याद रहनी चाहिए है ना चलिए अगले प्रश्न से पहले कुछ प्रश्न आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया ठीक है नहीं आज कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज लेके आया हूं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो देखो अब यहां पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो याद रखना कि हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है यह बात आपको याद रखना और संसद करता है आर्टिकल तीन के अंतर्गत ये काम ठीक है नहीं अब तक हमारे यहां पर रिसेंटली सबसे रिसेंटली जो संवैधानिक संशोधन हुआ है वो हुआ है एक सौ है संवैधानिक संशोधन 2023 और यहां पर आपको लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को ठीक है महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा बात ये है और ये बहुत ही युगांतकारी ठीक है घटना है जिससे महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व अब संसद में भी मिलेगा ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए बात समय में आएगी नहीं इसके अलावा कुछ और भी संविधानिक संशोधन है जिनको हम याद करने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास है सोवा संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था और सोवा संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश से संबंध रखता है यानी हमने बांग्लादेश को कुछ जमीन दी थी और बांग्लादेश ने कुछ हमें जमीन दी थी और ये एक संवैधानिक संशोधन हुआ था अब आप याद कैसे रखोगे तो बांग्लादेश को गौर से देखो बांग्लादेश ऐसे बनता है ये एक बनता है और यहाँ पे दो जीरो लगा दो तो ये बन गया सौ ठीक है नहीं तो सौवा संविधान संशोधन बांग्लादेश से संबंध रखता है दैट ऑल ये बात आपको याद रहनी चाहिए ठीक है ना रश्मि जी गुड इवनिंग अब देखिए अब एक सौ एकमा एक सौ संविधान आपका संबंध रखता है जीएसटी से है ना किससे रखता है जीएसटी ये जीएसटी का, मतलब का, जी का मतलब क्या है टैक्स का एकीकरण पहले जो टैक्स अलग अलग लगते थे अब उसका एकीकरण हो गया है यहां पर है एक और इसका नंबर है 101 एक ऐसे करके आपको याद रखना है ध्यान रखना है एग्जाम में है ना इसके बाद एक सौ है एक सौ दो देखना यहाँ पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक सौ दो तो यहां पर क्या बनाता बैकवर्ड के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बना था ठीक है नहीं बैकवर्ड क्लास क्या होता है जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या हुआ था कि एक क्या बनाता यहाँ पर कमीशन बना था तो यहां पर देखो बीसी बीसी में कितने शब्द हैं दो तो यहां पर भी क्या है एक सौ दो एक सौ संविधान संशोधन दो हजार में हुआ था वो हुआ था ईडब्ल्यू एस के लिए यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिनको 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था ठीक है नहीं दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया था आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं जो गरीब हैं और जो शवण हैं उनके लिए था ये ठीक है नहीं तो ये आपको अच्छे से याद रखना दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया था यहाँ पर यहाँ पर देखो एक दो तीन तो यहाँ पर एक दो तीन यानी एक सौ तीन है 104 में क्या था 104 में एस और एस का जो रिजर्वेशन है वो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया यहां पे देखो एक दो तीन चार तो ये आपका 104 है तो याद रहेगा स्टेट को यह अधिकार दे दिया राज्यों को कि वह अपने यहां पर किसी भी जाति को पिछड़ा वगैरह वगैरह में क्या कर सकते हैं नॉमिनेट कर सकते हैं उनका मर्जी है तो वो आपको याद रखना है एक दो तीन चार पांच तो यहां पर स्टेट को शक्ति मिली है तो यहां पर एक सौ पांच अब महिलाओं का हुआ एक सौ छह तो ये तो आप याद रखोगे क्योंकि न्यूली है नया है तो इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए दैट्स ऑल बताओ ट्रिक कैसी लगी बताओ जल्दी बताओ ठीक है अरे कोई तारीफ भी कर दिया करो तो आप भी तारीफ के लागू लग रहा हूँ मेरी भी तारीफ करो समझ में आएगा नहीं <laughs> चलिए दीप माला जी ठीक है और शिवानी साजिया ठीक है दोबारा कनेक्ट करो अच्छा चलिए क्लास स्टक हो रही है दोबारा आप कनेक्ट कर लो तो आपको पक्का की पक्का वो हो जाएगा प्रीति प्रिया ठीक है बस एक ही ने तारीफ करी है बाकी भी बताओ क्या आपको इतनी सारी सुष्मिता दुबे शानदार ठीक है शिवानी सुपर्भ साजिया मिर्जा हाँ सर आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसी तारीफ करते ला करो गुड ट्रिक है ना और बाकी भी आप इन ट्रिक को याद करने के बाद लोगों को याद करा दिया करो तो आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद रहेंगी है ठीक है नहीं बहुत अच्छा चलिए अब धीरे धीरे तारीफ करो मैं कह रहा हूं बस तो करोगे नहीं निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण कर, नहीं करती बताओ अगला प्रश्न है ना अच्छा 105 दोबारा से बता दूं चलिए दोबारा से देख लो 105 जो है वो क्या होता है स्टेट यानी राज्यों को राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वो अपने यहां किसी भी जाति को पिछड़ा बना सकते हैं पहले सारा के सारा अधिकार किसको दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी राज्य में कौन पिछड़ा होगा कौन क्या होगा ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी तो फिर केंद्र सरकार ने कानून बनाया यानी संविधान संशोधन किया और फिर दोबारा से राज्यों को ये शक्ति दे दी तो स्टेट में पाँच शब्द हैं और यहाँ पर 105 है बस यही हो जाता है चलिए अब बताओ आगे थोड़ा आगे बढ़ो थोड़ा आ, वो भी बढ़ाओ ठीक है वही कभी रुक गए हो तुम तो इतने से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बहुत जल्दी है ना वेरी नाइस क्लास गुड इवनिंग मनीता कुमारी श्वेता सुमन प्रीति लकी बलियान ठीक है और किरण कुमारी जी नहीं किरण कुमारी गुड इवनिंग चलिए तो अब इसका आंसर बता दो जल्दी जल्दी प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो आपको याद रखना है कि ये नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ठीक है क्योंकि ये कहाँ पर बहती है ये रही ये अमरकंटक से निकलती है अमरकंटक से निकलकर ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश से बहते हुए बहते हुए ये आपके गुजरात में होते हुए खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है इस खम्बात की खाड़ी को कैम्बे भी कहते हैं और यहाँ पर ये एक ऐश्वरी का निर्माण करती है ज्वार नदमुख ठीक है ये किसका निर्माण करती है ऐश्वरी का करती है और ये बहुत बार प्रश्न आता है ध्यान रखना जबकि गोदावरी कृष्णा कावेरी सब डेल्टा का निर्माण करती हैं ऐसा आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए है ना इसके ऊपर एक माउंटेन आपको दिखाई देगा उसका नाम है विंध्य और इसके नीचे भी एक दिखाई देगा उसका नाम है सतपुड़ा यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है इसी पर आपको सोनी नामक पता सोनी सोनी नामक एक वाटर प्रोजेक्ट भी इसी पे बना हुआ है सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है भ्रंश घाटी से भी यही नदी बहती है ये आपको याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली भी यही नदी है ठीक है ऐश्वरी सबसे बड़ी ऐश्वरी बनाने वाली भी यही नदी है और माँ नर्मदा भी यही है इन्हीं के किनारे पर बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पर नहीं है दुनिया में ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए सर तो आपने गुड न्यूज नहीं दिया है आपके स्टूडेंट के सिलेक्शन का गुड <laughs> न्यूज बताओ जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो तो मुझसे कांटेक्ट कर ही रहे हैं और बाकी भी कांटेक्ट कर लें जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है ठीक है नहीं ठीक है नहीं बात समझ में आगे नहीं चलो आगे चलें अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है जल्दी बताओ बताओ ओजोन परत को भूकंप को ज्वालामुखी को या इनमें से कोई नहीं बताओ किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है जल्दी बताओ हाँ ऐसे ही पता एक एक इन्फॉर्मेशन आप भी डालते रहा करो जरूरी है आप लोगों के लिए समझ में आएगा नहीं नर्मदा के किनारे ओम कालेश्वर का मंदिर है याद कर लो प्रीति ने एक फैक्ट बताया आपको एग्जाम के लिए ठीक है नहीं तो अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देंगे देखो ओजोन परत जो है वो क्या है वो सुरक्षा परत है वो क्या है सुरक्षा परत याद रखना ठीक है और ये क्या है सुरक्षा वॉल्व है तो सुरक्षा वॉल्व होता है वॉल कैनो ये बात आपको याद रखना ज्वालामुखी ठीक है नहीं चलिए ज्वालामुखी क्या होता है ज्वालामुखी है ये ठीक है नहीं अब ज्वालामुखी में याद रखना कि ये जो लावा है ये ऐसे ही यहाँ पे देखो धरती के अंदर क्या होता है होता है फिर ये मैग्मा ऊपर जाता है और ऐसे करते हुए ये बाहर निकल जाता है सोचिए ये अंदर गर्मी है टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है यह लावा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है ज्वालामुखी न होते तो यहां पर यह कैद रह जाता यह लगातार ऊपर ताकत लगाता 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 लगातार ताकत लगाता रहता ऊर्जा बाहर नहीं निकलती ऊर्जा के बारे में एक ऊर्जा नेवर डाई ठीक है ये ना तो उत्पन्न होती है ना समाप्त होती है एक रूप में दूसरे रूप में बदलती रहती है ये बात आपको याद रखना है तो एक दिन ऐसा होता कि पृथ्वी की पूरी की पूरी कृष्ट एक धमाके के साथ उड़ जाती सबका पर कच्चे उड़ जाते और हमारी धरती नष्ट हो जाती इस कारण अब क्या है कि गर्मी समय समय पर बाहर निकलती रहती है जिसकी वजह से हमारी धरती बची रहती है इसलिए इसे सुरक्षा वाल्व कहते हैं यह तकनीक अपनाई जाती है कुकर में प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर में सुरक्षा वाल्व होता है इस सीटी के पास जहां सीटी होती है वहीं पर ऐसे पैसा सा बना रहता है अगर सीटी किसी भी तरह से बंद हो जाए तो यह फट जाता है और कुकर को फटने से बचा लेता है बस इतना याद रखना यह धरती को फटने से बचा लेता है इसलिए इसको सुरक्षा वॉल्व कहते हैं राइट आंसर। right अगला क्या है अगला यह है कि छो मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है पहला प्रश्न है समता मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी दर्ज होती है जल्दी बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा जल्दी जल्दी आंसर बताओ किरण चौहान गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाकी भी सारे लोग जुड़ते जाओ है ना जुड़ते जाओ फॉर्म तो आ चुके हैं बहुत दिनों से फॉर्म आए हुए हैं अब दोबारा से विंडो ओपन होगी वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं बात ये है ठीक है नहीं सुमन चलिए देखो दोनों ही गलत हैं <laughs> दोनों ही गलत हैं हमारी पृथ्वी है हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले होता है मंडल फिर उसके बाद होता है मंडल फिर होता है मंडल फिर होता है ठीक है तापमंडल फिर होता है बहिर्मंडल ऐसे होते हैं और यहाँ पे ए, एक ट्रिक है दीदी क्या है दीदी ट्रिक याद रखना सबसे पहले डिक्रीज यानी तापमान कम होता है फिर इंक्रीज फिर तापमान बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है इस प्रकार से नियम है दीदी दीदी ट्रिक है पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज अब यहाँ पे देखो सबसे पहले डिक्रीज होता है ठीक है तो यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है तो गलत दो दूसरे पर क्या होता है वृद्धि होता है तो ये भी गलत तो यहां पर दोनों में से कोई भी नहीं होगा डी राइट आंसर होगा दैट्स द राइट आंसर ठीक है नहीं चलिए अब अगला प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं अगला प्रश्न ये है हाउ मैनी पर्सन आर द नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा राज्यसभा के द्वारा कितने मनोनीत होते हैं इसका आप जल्दी जल्दी आंसर बताओ तो इसका राइट आंसर क्या है बारह होते हैं राज्यसभा में क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं 250 मैक्सिमम कितने है? हो सकते हैं अगर मैक्सिमम कभी आ जाए तो वो होते हैं 250 ठीक है लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितना है 245 और 245 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए 245 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो घटेगा 233 233 का क्या होता है इलेक्शन होता है इलेक्शन में वोट कौन डालते हैं तो एमएलए वोट डालते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व तो होता है ये बात आपको ध्यान रखना है और बारह का क्या होता है नॉमिनेशन यानी इनका ये मनोनीत होते हैं ठीक है मनोनीत इन्हें कौन करता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है क्या हर किसी को कर देगा नहीं केवल चार क्षेत्रों से कर सकता है लिटरेचर आर्ट सोशल साइंस और साइंस एल से लिटरेचर यानी साहित्य कला विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यहां पर यह होता है इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए है ना निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है आप जल्दी जल्दी आंसर बताओ वीडियो को लाइक और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ इसको इस वीडियो को काफी ज्यादा जरूरी वीडियो है है ठीक उनके लिए जो तो झारखंड की तैयारी नहीं कर रहे हैं सेम है ना तो उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है तो निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आप याद रखना कि की नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसके लिए फॉर्मूला है मीना काजल लगाती है ठीक है किसी का नाम है मीना मीना काजल लगाती है ठीक है ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म बनाए उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं अब यहां पे देख लो मी से क्या बनता है मीथेन मी से क्या बनेगा मीथेन बनेगा ना से क्या बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा का से क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जल से क्या बनेगा जलवाष्प बनेगा इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है जबकि नाइट्रोजन अपने आप में ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बात आपको ध्यान रखनी है है ना अब देखिए यहां पर सबसे ज़्यादा क्या है सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन फैलाता है ग्रीन हाउस गैस का तो बात याद रखना वाटर वेपर पर पिचानवे प्रतिशत प्रभाव इसी का होता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्री पॉइंट सिक्स मीथेन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो नाइट्रस ऑक्साइड जीरो पॉइंट नाइन फाइव मिस्लिनियस गैस है जीरो पॉइंट जीरो सात ये बात याद रखना अब यहां पर याद रखो कि ये नेचुरल ये नेचुरल पाई जाती है चौरानवे प्रतिशत ये नेचुरल पाई जाती है ये नेचुरल इतनी इतनी लेकिन याद रखो कि मनुष्य के द्वारा किसका उत्पादन किया जा रहा है तो देखो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है जीरो पॉइंट वन वन सेवन फिर दूसरे नंबर पर मीथेन है जिसका मानव द्वारा सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है ये बात आपको ध्यान रखना है ठीक है ना चलिए हाँ डेली क्लास की टाइमिंग तीन बजे है बस याद रखना तीन बजे आप निश्चित रूप से आ जाए तीन राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है वो कौन है ठीक है तीन राज्यों का जिसका किसी किनारे पर अरब सागर है यह बात आपको याद रखना है तो चलो इसको करेंगे हम इस तरह से देखो यहां पर यह पूरा भारत दिखाई दे रहा है भारत ये ये भारत की क्या है यह जली सीमा है ठीक है नहीं भारत की जो जली सीमा है उसकी लंबाई है इकसठ सौ किलोमीटर यह आपको पता होना चाहिए इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है अगर आप देख तो देखो तो इधर क्या है आप देखिए तो इधर अरब सागर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ये कह रहा है कि अरब सागर से कौन कौन लगते हैं तो गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल ये अरब सागर से लगते हैं ध्यान रखना है ना तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर कही है जैसे केरल कर्नाटक महाराष्ट्र तो यही आंसर सही है जो आपको दिख रहा है है ना यही आपको दिख रहा है तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि पेपर में यही आता है किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया ये बात आपको बताओ कौन सा एक्ट था जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया ठीक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम अठारह का अधिनियम अठारह का भारत शासन अधिनियम सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होगा राइट आंसर अगला प्रश्न का आंसर आपको यह बताना है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास के रेगुलेटिंग एक्ट के हुआ था कि जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला एक्ट बनाया गया था भारत के संबंध में ऐसा आपको याद रहना चाहिए और इसी एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ये याद रखना और इसके जो पहले जो जज थे उनका नाम था एलजा एम ये भी आपको पता होना चाहिए सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट अब यहां पर कुछ हमारे संवैधानिक विकास है उसको आप अच्छे से समझ लो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह सौ चौरासी आया उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई चार्टर एक्ट सत्रह सौ तिरानवे यह पहला चार्टर एक्ट था यह कभी बार प्रश्न आ चुके हैं सारे प्रश्न आ चुके हैं इसलिए मैंने आपको यहां पर ऐसे बता दिया है ठीक है इसके बाद देखिए चार्टर एक्ट अट्ठारह सौ तेरह कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया चीन और चाय को छोड़कर ठीक है कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया लेकिन चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा ब्रिटिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति आ गई और एक व्यक्ति था ईसाई पादरी जिसका नाम था सेंट थॉमस वो भारत में आया ईसाइयत का प्रचार करने के लिए ध्यान रखना है और इसी एक्ट के द्वारा एक एक लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए गए ठीक है या इसके लिए अलॉट किए गए ऐसा आपको याद रखना है इसके बाद चार्टर एक्ट आया अठारह जिसने कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया इससे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और प्रथम विधि आयोग का गठन भी इसी के द्वारा हुआ ये बात आपको याद रहनी चाहिए चार्टर एक्ट अठारह में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ ऐसी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए जरूरी है आप लोगों के लिए इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम अठारह कंपनी के शासन का अंत हो गया और बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय ठीक है इसी के द्वारा बना लॉर्ड कैनिंग जिसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम अठारह में राज्य विधान परिषद का गठन हुआ और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई अब आगे देखते हैं ठीक है कि भारत परिषद अधिनियम अठारह में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय संसदों को बजट पर विचार करने का अधिकार मिला यह बात आपको याद रहनी चाहिए ठीक है नहीं और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इतनी बात बोल रहा हूं एक आ में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो सर क्ली अब कैसे एक साथ चेंज हो जाएगा कलर बता रहे बना हुआ पी डी एफ है।, है ना लगवा <laughs> थोड़ा सा सहयोग किया अगर हम तो सहयोग करते दो तुम्हारे साथ है ना हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई बायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह दी गई प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया भारत सरकार अधिनियम के द्वारा और केंद्र में प्रारंभ हुई सिखों भारतीय ईसाई तथा एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का ये आगाज यानी और ये बढ़ोतरी कर दी गई ये बात आपको याद रखना चाहिए ठीक है नहीं इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम अठारह केंद्र में द्वैध शासन अखिल भारतीय संघ की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा हुई थी ठीक है नहीं इसके बाद, इसके बाद बाद है आपका स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस भारत का विभाजन और भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया ये सब थे ठीक है नहीं सर आपका टेलीग्राम लिंक नेम क्या है तो देखो टेलीग्राम लिंक ये ऊपर लिखा हुआ है नहीं ये नहीं लिखा हुआ है ये है ठीक है राज राणा ठीक है राज राणा ठीक है एस एस टी में पढ़ाता हूं तो एस एस टी विद राज राणा ये टेलीग्राम लिंक है आप यहां से ठीक है ये कलेक्ट कर सकते हैं कोई बात नहीं ठीक है अब यहां पर मैंने आराम से सारी चीजें बता दी है वो आपको पूरा पूरा एक बार और वीडियो देखना ध्यान रखना ठीक है ये पूरा पूरा मैराथन है मैं आपको लगभग लगभग बहुत सारी चीजें करा रहा हूं यहाँ से और हर एक एग्जाम के लिए झारखंड के, के लिए नहीं झारखंड तो अब आने वाला है इसलिए मैं झारखंड के लिए भी कुछ कर रहा हूं और यूपी के लिए भी कुछ क्लास लेके आऊंगा झारखंड के लिए भी लेके आऊंगा बिहार के भी लेके आऊंगा अगर आपको पता कोई कोर्स भी ज्वाइन करना है बिहार स्टेट का कोर्स ज्वाइन करना हो तो तो भी आप कोर्स ज्वाइन करें और आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करने के बहुत सारे साधन हैं ठीक है नहीं पहले सबसे बढ़िया तो टेलीग्राम है वहां आ जाओ भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है ये बताओ दूसरा तीसरा ठीक है चौथा या पांचवा नागरिकता से कौन सा संबंध रखता है बताइए बताइए नगमा तबशुम जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगला प्रश्न बताओ ठीक है ये प्रश्न बताओ मजेदार प्रश्न है और ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ये बताओ भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंध रखता है नागरिकता तो यहाँ पे देखो तो नाग दिखाई दे रहा है नाग ठीक है और नाग की जो जीव होती है वो ऐसे करके फटी हुई होती है ठीक है यहाँ से सेंसर लगे होते हैं और ये इसी से सुनता है याद रखना नाक के कान नहीं होते वो कहाँ से सुनता है यहीं से सुन लेता है ये बात आपको ध्यान रखना जीव से सेंसिटिविटी होती है इसलिए जीव को बाहर निकाल निकाल के अंदाजा करता है ठीक है तो नागरिकता यानी जीव कितने भाग में बटी है दो तो दो में ही है बात यह है ठीक है नहीं ये है ए इज राइट आंसर बस इतना आपको याद रखना दो होगा राइट आंसर है ना अब यहाँ पर कुछ भाग हैं संविधान के तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर क्या भाग हैं इस समय पर पच्चीस भाग हैं ठीक है नहीं? कितने भाग हैं पच्चीस हैं लेकिन अंतिम भाग हमारे संविधान का कौन सा है कभी आपसे पूछ ले तो अंतिम भाग आज भी हमारे वहां पर बाईसवा है ठीक है फिर कैसे पच्चीस कैसे है क्योंकि यहां पर चार ए नाइन ए नाइन बी और फोर्टीन ए इन भागों को जोड़ा गया है चार भागों को जोड़ा गया है और सातवें भाग को यहां से नष्ट कर दिया गया है खत्म कर दिया गया है तो बाईस चार हो गए छब्बीस और छब्बीस में से एक घट गया तो हो गए पच्चीस तो गणना की दृष्टि से हमारे यहां पच्चीस है लेकिन क्रमांक की दृष्टि से आज भी ठीक है नहीं? बात नहीं चलिए दो ही तो लिखा है मैंने और क्या है तो यहां पर 25 है याद रखना चलिए सबसे पहले आप देख रहे हो तो यहां पर यूनियन है यानी संघ और राज्य क्षेत्र आपको पता होना चाहिए संघ तो संघ क्या है हमारा भारत और भारत हमारा एक है यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है नहीं अब पार्ट टू जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर नागरिकता है यहां से मैं नाग लिख दे रहा हूं केवल तो नागरिकता पार्ट दो में है ठीक है तीसरे में क्या है मौलिक अधिकार क्या है मौलिक अधिकार अब आपको पता है कि मालिक से क्या मांगते हैं मालिक से रोटी ठीक है कपड़ा और मकान यानी तीन चीज मांगते हैं और तीन चीज आपको कहां पर मिलेंगी इसी में मिलेंगी तीन में चार में क्या दे रखा है चाणक्य की नीति क्या दे रखा है चाणक्य की नीति याद रखना और नीति से याद रखना हमारे यहां पर चा से चाणक्य और चा से चाणक्य तो चाणक्य नीति यानी नीति निदेशक तत्व डी पी एस पी यहां पर है मौजूद ये आपको ध्यान रखना पांच में क्या दे रखा है संघ यानी भारत ठीक है छह में क्या दे रखा है राज्य यानी स्टेट सात खत्म हो चुका है और आठ में दे रखा है यूनियन टेरिटरी हमारे यहां पे यूनियन टेरिटरी एट है इसलिए यूनियन टेरिटरी आठ में ही है ध्यान रखना ठीक है पहले संघ है ठीक है यूनियन है और फिर उसके बाद स्टेट है ऐसे करके याद रखना ओके नौ में क्या दे रखा है नौ में दे रखा पंचायत पंचायत तो याद रखो पन्न यानी पांच चा, मतलब चार दोनों को जोड़ दो नौ में पंचायत है में क्या है में है आपकी जनजाति ठीक है जनजाति तो आप याद रखो यहां पे याद रखो दस जनपथ दस जनपथ यानी जन से क्या होगा जनजाति दस से होगा दस और ग्यारह से क्या है संघ एवं राज्य में संबंध राज्य में संबंध ये है संघ और राज्य में संघ संघ में है पांच में और राज्य में है छह में ठीक है छ में और संबंध का मतलब है प्लस तो ये हो गया छह पांच ग्यारह यानी भाग ग्यारह में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ऐसे आपको याद रखना ठीक है चलिए ये अपने आप करके लेके आ रहे हैं तुम सबको भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस में स, किस में दल बदल विरोधी प्रावधान है चलो बता दू यहां पर वरना बारह बारह में क्या दे रखा है संपत्ति तो सम से क्या बन जाएगा सात और पांच से क्या बन जाएगा पांच और सात और पांच कितना हो गया बारह तो संपत्ति तेरह में क्या है तेरह में तीन ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्स ठीक है व्यापार वाणिज्य और समागम व्यापार वाणिज्य और समागम ये तीनों चीज तीन चीज है अब तीन चीज हमारे यहां पे क्या होगा या तो भाग तीन होगा या तेरह होगा या तेईस होगा हमारे यहां पे बाईस है तेईस बात तो कोई भाग ही नहीं है और तीन में मौलिक अधिकार तेरह में ही होगा याद रखना केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं ये आपको याद रखना सेवाएं आपको यहां पर है ठीक है यहां पर आपको क्या होगा यहां पर आपका निर्वाचन ठीक है नहीं यहां पे आ जाएगा आपका पंद्रह में क्या है बताओ चौदह ए में तो आपका अधिकरण है ठीक है पंद्रह में आप बताओ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा चलिए महिमा यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद है ना आगे बताओ पंद्रह में भाग में क्या पंद्रह बताइए जल्दी बताओ पंद्रह में क्या है बारह तीन पंद्रह ठीक है तो यहां पर क्या होगा निर्वाचन यहां पे निर्वाचन है और सोलह में क्या दे रखा है सोलह में आपका दे रखा है विशेष वर्ग विशेष वर्गों के लिए उपबंध विशेष वर्गों के लिए उपबंध यह भी आपको याद रखना है सत्रह में क्या दे रखा है राजभाषा दे रखा है राजभाषा ठीक है नहीं हिंदी है हमारी राजभाषा अठारह में आपके आपातकाल दे रखा आपात है आपातकाल ठीक है उन्नीस में क्या दे रखा है प्रकर्ण दे रखा प्रकर्ण यानी मिसलिनियस और बीस में दे रखा है संशोधन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इक्कीस में दे रखा है अस्थायी तो उपबंध याद कर सकते हैं ठीक है नहीं चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है बताओ दल बदल विरोधी प्रावधान किसमें दे रखा है ये आप मुझे बताइए ठीक है सर क्लास का टाइम क्या है तो क्लास टाइम है आपका रोजाना तीन बजे ये रहा रोजाना तीन बजे मैं आपको यहां पे पढ़ाता हूं चलिए बताइए इस क्लास से झारखंड और बी दोनों कवर हो जाएंगे क्यों नहीं होगा ये कि कहने की बात है <laughs> यही तो आएगा आप सिलेबस देखो सिलेबस में देखो सिलेबस में सब कुछ यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और यकीन मानो पेपर में भी वही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ है ना तो आप टेंशन मत लो बताओ ये बताओ भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल अधिनियम है तो आपको पता होना चाहिए दल बदल दे रखा है दसवीं अनुसूची में किसमें दे रखा है दसवीं अनुसूची में दे रखा है दसवीं अनुसूची दस जोड़ी गई थी बावनवे संविधान संशोधन उन्नीस अब आप कहोगे सर दल बदल अधिनियम का होता है? है ये होता है कि अगर कोई आदमी है मान लो तुम हो ठीक है तुम हो तुम मतलब तुम ठीक है अब तुम क्या हुए बीजेपी की टिकट ली आपने और इलेक्शन में खड़े हो गए और आप जीत गए अब आप जैसे जीते आपने बीजेपी को छोड़कर आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया आप यहां के आप यहां यहां चले गए कहां पर तो दल बदल दिन कहता है ऐसे आप उछल के कूद कर ऐसे नहीं जा सकते आपकी सदस्यता खत्म यह बीजेपी की साथ नहीं है अगर इस व्यक्ति ने कांग्रेस से टिकट लेकर जीता है और फिर ये बीजेपी में चला जाता है तो भी यही होगा अगर कोई आदमी निर्दलीय लड़ा है वो जीतने के बाद किसी दल को ज्वाइन कर लेता तो भी इसी के साथ यही होगा ठीक है नहीं इन सब की सदस्यता हो जाएगी खत्म ठीक है नहीं बर्बाद तो ये बर्बाद हो जाएंगे सीधी बात ये है तो अगर बर्बाद नहीं होना है तो ये ऐसे काम ना करो सीधी सीधी बात तो यही होनी चाहिए है ना बताओ हा आपको सर बात तो सही कह रहे हो अब हमारे संविधान में कुल मिलाकर क्या है बारह अनुसूचियां हैं जिसमें से आठ अनुसूचियां तो जब हमारा संविधान था तो उसमें ओरिजिनल थी ठीक है भारत के मूल संविधान में थी और बाकी की चार अनुसूचियां हमने जोड़ दी हैं चार अनुसूचियों को हमने क्या किया है इसमें जोड़ दिया है इसको जोड़ा था हमने उन्नीस में इसको जोड़ा था हमने उन्नीस में उसको जोड़ा था हमने उन्नीस में और इसको भी जोड़ा था हमने उन्नीस में ठीक है नहीं बात आपको यह याद रहना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं बात समझ में आई या नहीं आई ठीक है नहीं समर्थन तो किसी को भी दिया जाता समर्थन अलग बात होती है बेटा समर्थन अलग है ठीक है वो अलग है ये अलग है दोनों में अंतर है जरा थोड़ा सा समझ लो अब अनुसूची एक में क्या दे रखा है वही संघ एवं राज्य क्षेत्र ये बात आपको याद रखना अनुसूची दो में क्या दे रखा है वेतन अब बताओ किसी से वेतन मांगने जाएंगे तो कैसे मांगेंगे वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो भैया हमारा वेतन दो हड़ताल कर देंगे हम वेतन दो वेतन दो वेतन दो ठीक है तो वेतन क्या है दो है तो वेतन किस में है दो में है माई बात नहीं कुछ समझ में बेतन किसमें है दो में है याद रखना बेतन किसमें है दो में है अनुसूची तीन में क्या दे रखा इस है इसमें दे रखी है शपथ यानी कसम तुम्हें कसम है मेरी ठीक है किसी को भी आंख उठा के नहीं देखोगे ऐसी तो कसम लेते हैं और कसम मुख्य रूप से कितने प्रकार से ली जाती है तीन प्रकार से ली जाती है कि तुम्हें मैं कबूल हूं या नहीं हूं बताओ कबूल है, कबूल है कबूल है कबूल है तीन बार ठीक है अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो तीन व तलाक, तलाक 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 खत्म ठीक है नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कसम जो होती है वो लगभग लगभग तीन बार ली जाती है तो बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूची तीन में क्या दे रखी है कसम दे रखी है और तीन से कसम का संबंध है ठीक है बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते थे तो इसी प्रकार से किया जाता था ये आपको पता होगा है ना अब चार में क्या दे रखा है चार में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा आवंटन याद कैसे रखोगे आको तो भूल जाओ बटन याद रखो और अपनी सर्ट की बटन देखो तेरी सर्ट का में बटन हो गया गाना सुना कि नहीं तेरी दा दामे बटन सोड़िए हाय तेरे ऐसी कुछ गाना है बड़ा अच्छा गाना है तन्नु बैर से मन्नू का है ना किसी को गुनगुना आता है तो गाना गुनगुनाते रहा करो जरूरी है है ना <laughs> चलिए हमने तो साथ फेरे लिए थे कोई बात नहीं समझने की बता रहा हूं है <laughs> चलिए बास है आवंटन आवंटन यानी बटन बटन में चार छेद होते हैं सीधी बात है जनरली चार ही होते हैं ठीक है चलो ये हो गया अब इसमें क्या दे रखा है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अब जनजातीय क्षेत्र को जनजाति को क्या कहते हैं ट्राइब और ट्राइब क्या है यहां पर पांच लेटर दे रखे देखो पांच पांच हो गया सीधी बात है नो बकवास ठीक है नहीं इतना ये हो गया सर डिफरेंस बिटवीन द भाग दुसू अनुसूची <laughs> वो होती है जब तुम अपने मार्केट में जाओ ठीक है नहीं मार्केट में जाओ और अपने चाहे पापा हो पति हो तो पति को क्या थमा दो एक, एक लिस्ट थमा दो उसको कहते हैं अनुसूची समझ में आएगी नहीं <laughs> हाँ यही गाना है ठीक है तो हमारे संविधान कितने भागों में हमारे जैसे हमने कहानी होती है ना कि एपिसोड जो होते हैं एपिसोड जो होते हैं ना उसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं ऐसे हमने संविधान हमारा बड़ा है इसलिए इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है बात समझ में आएगी नहीं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 22 भाग है जैसे हमारे पास कोई किताब है ये पूरी किताब है अगर किताब देखेंगे तो किताब ज़्यादा मोटी है अब मोटी किताब को तो ऐसे नहीं कर सकते तो जनरली क्या होगा कि हम इसको भाग क्योंकि संपूर्ण किताब को तुमने कहीं पढ़ के छोड़ दिया अब आपको केवल केवल यह जानना है कि राष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति के बारे में हमें जानना है तो पूरी किताब को नहीं पढ़ना होगा आपको केवल राष्ट्रपति वाले भाग में अध्याय में चले जाओ आपको केवल क्या जानना है आपातकाल जानना है तो आपातकाल को देख लो वहां पर यह होता है बस ठीक है नहीं अब यहां पर हो गई ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी अब क्या है कुछ चीजों का उल्लेख बहुत बार करना पड़ सकता है जैसे हमें हमें वेतन देना है सभी को तो प्रधानमंत्री का वेतन ठीक है राष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति का वेतन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कैक का वेतन महान्यायवादी का वेतन इसका वेतन उसका वेतन इसका वेतन उसका वेतन 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 हो जाएंगे और हमारे संविधान में हर जगह वेतन 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 बताना पड़ेगा जिसके भी आप उल्लेख करोगे उसी का वेतन बताना पड़ेगा अब इससे क्या होगा संविधान में अतिरिक्त जगह घिरेगी संविधान मोटा तो था और भी मोटा हो जाएगा ऐसा लगेगा कि ऐसे कोई रोग हो गया है ज्यादा मोटापे का तो यही मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ये बात आपको ध्यान रखनी भी है ठीक है तो अब क्या होता है कि अब क्या है कि अगर हमें किसी का वेतन बढ़ाना है और किसी का वेतन कम करना है तो पूरे के पूरे संविधान में हमें संशोधन करना पड़ता हाँ है ना इसलिए हमने क्या किया उस वेतन को उठाकर बाद में एक लिस्ट में जोड़ दिया जहां संविधान खत्म होता है भैया लो अब यहां जिसको वेतन देखना है यहां से देख लो ये रहा वेतन तुम्हारे किसका वेतन हटाना वेतन हटा दो यहां से केवल अनुसूची को चेंज करना पड़ता पूरे संविधान में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता इसका तो ये है बस समझ आएगी नहीं इसलिए हमने संविधान के खत्म होने के बाद कुछ लिस्ट जोड़ दी है उसी को हम क्या कहते हैं अनुसूचियां कहते हैं उन्हीं को हम सेड्यूल्स कहते हैं और यही बात आपको याद रखनी चाहिए अब आ जाते हैं अनुसूची छह में अनुसूची छह में क्या है चार राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है चार क्षेत्रों की जनजाति देखो दोनों में ही जनजाति है इसमें संपूर्ण भारत की जनजातियां क्षेत्र और यहां पे चार राज्यों की जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन अंतर दोनों में याद रखना अंतर दोनों में याद रखना चार राज्य में कौन सा याद रखना है मित्र एज बी आप बताओ मित्र बनाना हो तो किसको बनाना चाहिए एज बी जैसे मैं हूं ठीक है देख लेना जिसको भी मित्र बनाओ मेरे वाले गुण जरूर होने चाहिए है ना <laughs> समझा कि नहीं? याद रखो मित्र एज बी तो ऐसे करके याद रखो तो एम आई से क्या बनेगा मिजोरम ठीक है नहीं टी आर से क्या बनेगा त्रिपुरा एस से क्या बनेगा असम और एमी से क्या बनेगा मेघालय चार चार हो गए अब तो आपको दिख रहा है ना यानी चार क्षेत्रों का प्रशासन चार क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन ये बात आपको याद रखना मित्र एज मी तो मैंने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई है अपने आप को देख के बनाई थी इंटरव्यू समझ में आएगा नहीं चलिए आगे चलते अनुसूची सात सात में क्या दे रखा है सात में दे रखा भाई साहब सूची क्या दे रखा है सूची तो सा से सात और सा से सूची याद रहेगा ना सात और सा से सूची इसको तो आप याद रखोगे ना आप कहोगे सर हां बेस्ट तो याद रखेंगे चलिए खत्म करते हैं इसको भी आठ में क्या दे रखा है आठ में दे रखा है भाषा अब देखो भाषा भाषा कौन सी है हमारी हिंदी और हिंदी में है एच और एच कौन से नंबर पे आता है आठवें नंबर पे आता है ठीक है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है चलिए आगे चलते नौ में क्या दे रखा है नौ में दे रखा है भूमि सुधार क्या दे रखा है भूमि सुधार तो आप याद रखो यहां पे अक्षर देखना है कौन सा है यहां पे नौ है तो ये नौ हो गया अनुसूची दस अनुसूची दस में की दे रखा दल बदल ठीक है दल बदल यानी दासे दस और दास दल और ग्यारह में क्या दे रखा है ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत तो गा से ग्यारह गा से ग्राम और बार से हो गया म्यूनसिपैलिटी बस लास्ट म्यूनसिपैलिटी है इस प्रकार से आपको सारी की सारी सारी की सारी सारी की सारी आपको अनुसूचिया एक बार में याद हो जाती हैं बात बताओ ठीक है नहीं चलिए मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो एवं मिलावट रहित तो हो ठीक है नहीं बताओ ये आप मुझे बताइए कि इको मार्क किसके लिए दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रह तो प्रोटीन समृद्ध हो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो तो आप याद रखो पर्यावरण कोई नुकसान न पहुंचाता हो उसको हम क्या देते हैं इको मार्क देते हैं ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए ये इसका ट्रेड मार्क है ये आपको ध्यान रखना चाहिए उन्नीस से शुरू हुआ था ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए है ना चलिए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है ठीक है भूमि जल और वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक सब समय बिंदु पर घेरे हुए है भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है उपयुक्त सभी तो आपको राइट आंसर याद रहना चाहिए उपयुक्त सभी राइट आंसर पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं ठीक है नहीं तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही पर्यावरण है तो उपयुक्त सभी राइट आंसर याद रखना है ना चलिए आगे चलते हैं दो भिन्न परितंत्रों के बीच में संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए दो तंत्रों के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं देखो कभी याद रखना कि यहां पर क्या है यहां पर है आपका लैंड और यहां पर आ जाता है पानी यहां तक भरा हुआ पानी ये क्या है आपकी ये है जमीन यहां पर क्या है ये जमीन तो ये जमीन का इकोसिस्टम और ये समुद्र का इकोसिस्टम लेकिन कुछ जगह जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो यही कह रहा है जहां दो परितंत्र एक दूसरे से मिलते हैं उसको कहते क्या है इकोटोन ठीक है नहीं या उसको इकोस्फियर इकोटाइप या इकेड कहते हैं क्या कहते हैं तो राइट आंसर है इसका इकोटोन इज राइट आंसर उस जगहों को इकोटोन कहते हैं है ना ये याद रखना अच्छे से ये रहा इकोटोन ट्रांजिटिव एरिया होता है जहाँ पर दोनों इकोसिस्टम के दोनों गुण मिलते हैं और यहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा होते हैं जीव जंतु के ज़्यादा होने को कोर इफेक्ट कहते हैं ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कोर इफेक्ट कहते हैं ये वाला क्या है कोर इफेक्ट है यानी जहाँ पर इकोटोन है वहाँ पर जीव जंतु आपको ज़्यादा मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी और इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं है ना निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जिंदा रह सकता है बताओ जिराफ ऊट कंगारू या कंगारू चूहा क्या होगा राइट आंसर जल्दी बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ कौन इसका सही आंसर बताएगा कि बताओ इसका जो सबसे सही आंसर है वो कंगारू चूहा कंगारू चूहे के दर्शन करना चाहते ये रहा कंगारू चूहा ये पूरे जीवन में पानी नहीं पीता पूरे जीवन में पानी नहीं पीता ये बात आपको याद रखना अगर इसको पानी पिला दिया तो ये मर जाता है आप कहोगे सर ये अपने पानी की आवश्यकता कहाँ से पूरी करता है तो खा पी के करता है भैया ठीक है जो खा रहा होता है ना उसी में पानी तो होता ही आप दाल खाते हो दाल में पानी नहीं होता गेहूं की रोटी खाते का उसमें पानी नहीं होता होता है ना वर भाप कहां से निकलती है रोटी में तो आप यही देख सकते कंगारू रचुआ है माइको एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है कवकों तथा पौधों की जड़ों के बीच में कवकों एवं सेवालों के बीच में बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच में और इनमें से कोई नहीं बताओ माइको किसे कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं कवक मूल क्या कहते हैं कवक और इसको क्या कहते हैं मूल मूल माने होता है जड़ यानी ऐसा कवक जो जड़ों में रहता है जड़ किसके पौधों की जड़ों में रहता है याद रखना कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच में कवक मूल पाया जाता है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है चंदन का पेड़ है चंदन चंदन के पेड़ में अगर कवक ना हो तो चंदन का विकास नहीं होगा ये बात आपको याद रखना आर्किड का भी जो पेड़ है वो भी कवक मूल से ही बढ़ता है वरना वो भी ना बढ़े ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए है ना चलिए तो ये आपको आ, ये आपको पता है कबक मूल दिखाई दे रहे होंगे ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन असमतापी प्राणी नहीं है अगला प्रश्न ये बताना है असमतापी देखो ऐसे जानवर जो है जिनका आ, जिनका पता तापमान समान रहता है हर एक मौसम में जिनका तापमान क्या रहता है समान रहता है उनको क्या कहते हैं समतापी और जिनका तापमान बदलता रहता है ठीक है हमेशा बदलता रहता है कभी सर्दियों में कम हो जाता है गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है उसको कहते हैं असमतापी आप थर्मामीटर लो सर्दी चल रही है आप अपना टेम्परेचर मेजर करो और फिर उसके बाद आप मेजर टेम्परेचर करना गर्मियों में सेम होगा वही वही सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान होता है लेकिन यहाँ पर अगर गिरगिट को देखेंगे यहाँ पर मेढक को देखेंगे यहाँ पर सांप को देखेंगे तो इनका जो तापमान है वो समय के साथ बदलता रहता है जैसे जैसे तापमान कम होता है इनका भी तापमान या इनके शरीर का तापमान कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि सर्दियों में ये रेंग भी नहीं पाते हैं इसलिए आपको सर्दी में सांप को मारना है आसानी से मर जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से ये मूवमेंट भी नहीं कर पाता अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना ये जितने भी पक्षी हैं मुर्गा खाने वाले लोग तुम्हें पता होगा मुर्गा जब आप उसको बनवाते हो तो उसका गर्म होता है ठीक है गर्म अब हाथ लगाओगे तो गर्म ही लगेगा मुर्गा ठीक है तो कितनी भी सर्दी हो तो कि ये क्या है हमेशा ये सेम उस तापमान का रहता है ये क्या है ये अपने आप में ये समतापी है ये क्या है अपने आप में समतापी हमेशा इसका तापमान समान रहता है ये असमतापी हैं सब असमतापी हैं इसलिए सर्दियों में कम तापमान के टाइम पर ये हाइबरनेशन करने चले जाते हैं शीत निद्रा में चले जाते हैं और ये आपको कम दिखाई देते हैं कीट पतंगे भी ठीक है असमतापी होते हैं इसलिए वो भी आ, चले जाते हैं अपने अपने गुफाओं में और बाद में जाके मिलते हैं ठीक है ये बात आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पे देख लो यहाँ पर ये है आपके बर्म यानी गर्म खून वाले ठीक है लोगों को हॉट ऐसी थोड़ी कहा जाता है अरे तुम बड़े हॉट लग रहे हो हॉट का मतलब क्या सारे हॉट हैं एक बात याद रहे ना किसी से ये कहना कि तुम हॉट लग रहे हो ये कहना ही बकवास है क्योंकि सारे मानव हॉट होते हैं समझ आगे नहीं चाहे लड़का हो या लड़की हो ठीक है जब बच्चा हो जब बूढ़े बड़े हो जब तक हम हॉट है तभी तो जिंदा है जिस दिन हम मर गए उस दिन तो ठंडे हो जाएंगे हैं कोई कह रहे तुम कूल लग रहे हो इसका मतलब मर गए हो समझ में आ गया नहीं हॉट हो इसका मतलब जिंदा हो तो अब सोचो आप हॉट दिखना चाहते हो या कूल दिखना चाहते हो है ना कूल का मतलब ठंडे पड़ गए <laughs> मर जाता आदमी ठंडा पड़ जाता है ना पता है नहीं <laughs> ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे एलिफेंट हुआ डॉग हुआ व्हेल हुआ ठीक है कैट हुआ ईगल हुआ मानव हुआ ठीक है ये सब अपने आप में क्या बार में ब्लेडेड है ये सब क्या है ये सब असमता यानी कैसे हैं? ये सब समतापी हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं समतापी ठीक है नहीं याद रखना ऐसा कुछ नहीं है ये सब कहने वाली बात है लड़कियों की खूब सर्दी लगती है ये तो हमारे पता बॉलीवुड ने लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया इसलिए उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है वरना वास्तव में लड़कियों को खूब ठंड लगती है खूब पाँच पाँच कपड़े पहन पहन के घूमती हैं है? समझ में आएगी नहीं तो ये सिर्फ उनको इस तरह से कि उनको बस उसके कहते हैं झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दो फिर उसके बाद ठीक है वो भी ऐसे ही घूमे मोटे मोटे कपड़े ना पहने इसलिए ये पता हमारे बॉलीवुड ने लड़कियों के साथ खूब सारा ढेर सारा मजाक किया है ठीक है ये आगे जाके ध्यान रखना ठीक है नहीं और अब लड़के खुश भी हो जाते है उनसे कहते हॉट लग रही है और बड़ी खुश हो जाएंगे ये सब बकवास चीज़ है सबको गर्मी सबको ठंड लगती है ध्यान रखना सबको गर्मी भी लगती है ऐसा नहीं कि लड़कों को गर्मी नहीं लगती है ये सब कहने वाली बात है तो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल है वो ये है सारे के सारे क्या होते हैं सर्दियों में अपने आप में ये कहाँ चले जाते हैं हाइबरनेशन करने चले जाते हैं ठीक है नहीं हाइबरनेशन ये तो मैडम भी नहीं मिलेगा छिपकली नहीं मिलती होगी आपको सर्दियों में चली जाती है बेचारी खत्म ठीक है नहीं पारा और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है अगला प्रश्न ये बताइए है ना चलिए <laughs> मुझे पता पता है कि ये ये बकवास ऐसे ऐसे बना रखी है बॉलीवुड वालों ने ठीक है कि लड़कियों का जीवन दूभर कर दिया इन्होंने सच बात तो ये है आइए पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है बताओ पारे से तो एक मिनी माता रोग होता है ठीक है ये विटामिन डी से, तो हो से, 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 से होता है तो नहीं होगा सी इज राइट आंसर ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए सी इज राइट आंसर ठीक है नहीं तो सी इज राइट आंसर याद रखना पारे से मिनी माता होता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है राइट आंसर ये आपको ध्यान रखना है अगर आप देखना चाहते हैं तो मिनी माता ये है जापान में मिनी माता रोग हुआ था एक फैक्ट्री से पता है पानी निकलता था उसके पास पारा निकलता था पारा धीरे धीरे कहाँ चला गया समुद्र में समुद्र में उससे आ, फाइटो प्लैंकट में पहुंच गया फिर वहाँ से मछलियों में पहुंच गया मछलियों से मानव में पहुंच गया जिन्होंने पारे से प्रदूषित मछलियों को खाया उनसे ये रोग हो गया इनको मिनी माता रोग कहते हैं यहाँ पर कभी कभी बच्चा हल्का हल्का नीला हो जाता है ये नाइट्रेट की वजह से होता है ये बात याद रखना नाइट्रेट की अधिकता के कारण ऐसा होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जमोरिन कहाँ का राजा था अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है जमोरिन कहां का राजा था यह प्रश्न है आप लोगों के लिए और इस प्रश्न का आप आंसर बताओ जमोरिन जमोरिन का सबसे पहले बात याद रखना इसका नाम क्या था समुद्रत ठीक है ये पुर्तगालियों ने समुद्रत का नाम क्या कर दिया अपने ग्रंथों में जमोरिन कर दिया है ये बात आपको याद रखना जब बास्को डिगामा कालीकट के तट पर आया तो समुद्रथ यानी जमोरिन ने भव्य स्वागत किया उसे लगा कि अब विदेशी आए हैं अब यहाँ से व्यापार होगा व्यापार के बाद पैसा होगा इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी राजस्व बढ़ेगा और मेरा राज्य और ज़्यादा बड़ा होगा तो ये इसकी भूल थी इसने विदेशियों पर पता अपना विश्वास किया तो विदेशियों पर विश्वास करें भैया थोड़ा सा सोच समझ के करें याद रखना यहाँ पे क्या आंसर कालीकट कालीकट पर उस समय पर राजा कौन था जमोरिन था बास्को डिगामा ठीक है सन चौदह ये बात आपको याद रहनी चाहिए बास्को डिगामा जिस जहाज में आया था उसका नाम हेक्टर था ये भी आपको याद रहना चाहिए ठीक है नहीं आगे चलते बास्को डिगामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था बताओ अब्दुल मजीद ने मैगलिन ने कैबरल ने या बार्थलोमिडियाज ने बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका जल्दी जल्दी बताओ ठीक है को, को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था तो अब्दुल मजीद ने बताया था सीधी बात यह है सीधी बात नो ये रहा। ठीक है नहीं अब्दुल मजीद ने बताया था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई थी धर्मनिरपेक्ष राज्य बात पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहां पर हुई थी तो यह आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ पर स्थापना हुई थी सबसे पहले तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य अमेरिका में हुआ था ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ठीक है इतनी बात सभी में आ गई आ गई कि नहीं आ गई आप कहोगे सर हाँ आ तो गई है चलो आ गई तो फिर आगे चलते हैं ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी उन्नीस सौ उनतालीस में उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस सौ अड़तालीस में मैराथन है अभी तो लगातार चलेगी ठीक है नहीं कम से कम एक घंटे और चलेगी तो जितना देखेंगे जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे उतने हम प्रश्न करा देंगे ठीक है नहीं अब तो वीडियो को लाइक और शेयर ही नहीं कर रहे हो वरना हम और भी और ज़्यादा प्रश्न कराते और ऐसे ही मैराथन में आपकी हर एक चीज़ के लिए लेके आऊँगा बहुत जल्दी ही हर एक चीज़ हर एक टॉपिक पर आपकी एक मैराथन छोटी छोटी मैराथन में ज़रूर करवा दूंगा तो आप उसके लिए निश्चित रूप से तैयार रहें ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी चौबीस अक्टूबर ठीक है उन्नीस ये बात आपको याद रहनी चाहिए 24 अक्टूबर 1945 की बात है ठीक है बस तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी द्वितीय तो विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध उन्नीस में समाप्त हुआ और सबसे बाद में समर्पण किया जापान ने यह बात आपको निश्चित रूप से पता होगी इसी के ऊपर नागा हरिशुमा परमाणु बम भी गिराए गए थे ये भी आपको अच्छे से पता होगा प्रीति प्रिया फर्स्ट क्लास है बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ठीक है नहीं 1945 का तिथि याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और यहां पर ठीक है जब स्थापना हुई उस समय पर यहां पे याद रखना ये कितना हो गया चौबीस तो चौबीस यानी छह एक बार और देख लेना वैसे वैसे जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय पर इस पर इक्यावन सदस्य थे इसके पास कितने थे इक्यावन सदस्य थे ठीक है इसके दो विंग थी एक का नाम था संयुक्त सभा ठीक है आम सभा और दूसरा था सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद में पर पांच व्यक्तियों को वीटो पावर दी गई थी और जो युद्ध में जीते थे उन्हीं को वीटो पावर मिली थी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ बस इतना याद रखो ठीक है नहीं आगे चलते झारखंड को राज्य का दर्जा कम मिला था आठ नवंबर 2000 को पंद्रह नवंबर 2000 को पंद्रह दिसंबर 2000 को और इसके बाद है पंद्रह नवंबर 2000 ठीक है को? तो पंद्रह दिसंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था निम्न में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं बताओ प्राथमिक गतिविधियां कौन सी हैं प्राथमिक गतिविधियों का मतलब होता है जिनका संबंध सीधे सीधे नेचर से हो यानी प्रकृति से हो तो प्रकृति से सीधे सीधे किस चीज से हम जुड़े हुए हैं याद रखो कृषि के लिए हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं खनन हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं मछलियां प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो सभी होगा डी इज राइट आंसर इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए खरबूजा खरबूजा किस मौसम में होता है खरबूजा किस मौसम में होता है वॉट सीजन डज मेल ऑन ग्रो इन रवि मौसम खरीफ का मौसम जैद का मौसम या सभी तीन मौसम क्या होगा राइट आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर कि खरबूजा किस मौसम में होता है तो खरबूजा जायद के मौसम में होता है ठीक है खरबूजा तरबूजा ये सब जायद के मौसम में होता है खरीफ और रबी के बीच में जो होती है ये बात आपको ध्यान रखनी है निम्न में से कौन सी फसल पेय फसल है यानी ऐसी कौन सी फसल इसे पी भी सकते हैं है ना पीने वाली फसल कौन सी है बताओ सिंपल सा प्रश्न है ना पीने वाली फसल किसे कहते हैं अब यहीं पर आपको बताना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ना चले आगे आगे चलो तो ये तो आपको पता ही होगा टी वाली ठीक है आगे चलते हैं विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तिलहन जहां से तेल निकलता है ठीक है बताओ चीन है भारत है यूएसए या पाकिस्तान है क्या होगा राइट आंसर बताओ भारत में तिलहन का सबसे बड़ा ठीक है सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में उत्पादक कौन युएसे है यूएसए है यूएसए इज राइट आंसर तीसरा आपको इसको याद रखना है ठीक है नहीं कौन सी महत्वपूर्ण रवि फसल है अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कौन सी महत्वपूर्ण रवि फसल है तो रवि फसल आपको पता होगा गेहूं जो चना मटर सरसों गेहूं जो चना मटर सरसों गेहूं जो चना मटर सरसों ठीक है नहीं गेहूं जो चना मटर सरसों तो ये आपको याद रखना ठीक है नहीं अब गेहूं जो चना मटर से सरसों है उसमें यहाँ पर क्या दे रखा है गेहूं इज राइट आंसर ये रवि की फसल है इस रवि की फसल को हम क्या कहते हैं बुबाई का समय होता है इसका नवंबर का और कटाई का समय होता है इसका अप्रैल या मार्च का ठीक है नहीं समय यानी ठंड के टाइम पर बोई जाती है गर्मी के समय पर काटी जाती है तो उसको कहते हैं शीतोष्ण इसको क्या कहते हैं टेम्परेट क्रॉप ये भी आपको याद रखना चाहिए अच्छे से और ध्यान भी रखनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है अगले बार आपको यह बताना है ठीक है नहीं तीन साल छह साल चार साल या पांच साल क्या होगा राइट आंसर बताओ हा हा अक्टूबर नवंबर नवंबर में बोई जाती है वैसे अक्टूबर में नहीं बोई जाती ज्यादा नवंबर में ठीक है नहीं याद रखना इस बात को अब बताइए आगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना है जल्दी आंसर बताओ इसका संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल पांच वर्ष है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना कब आई थी भारत सरकार देने में उन्नीस को कहा जाता है क्या मॉन्टेस्क चैम्सफोर्ड सुधार और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन आया था यह बात आपको याद रखनी चाहिए है ना प्रांतों में द्वैध शासन ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से अगला प्रश्न गांधी जी ने डांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ करी थी 12 जनवरी ठीक है 1930 ठीक है और यहाँ पर है यहाँ पर 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930 और इनमें से कोई नहीं तो आपको याद रहनी चाहिए कहाँ पर कि यह 12 अप्रैल यानी 12 मार्च 1930 ठीक है यही आंसर है ना 12 मार्च सही है 12 मार्च 1930 इज राइट आंसर है ना अब गांधी जी को क्या लगा कि अब मैं तो बहुत दिनों से आंदोलन में तो हुई ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा आम जन है ना इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहा है इस आम लोगों को इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए बात ये यह है ना तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टॉपिक उठाओ जिसमें आपको ऐसा लगे कि फिर यहां से आपको खूब 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 इसमें क्या होगा बहुत ज्यादा यानी आपको बहुत ज्यादा यानी आपके जीवन का वो अंग रहा हो ठीक है नहीं जो नमक है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो गरीब भी खाते हैं ठीक है अमीर भी खाते हैं सबके पास खूब पैसा हो लेकिन फिर भी नमक ज़्यादा नहीं खरीदता किसके बाद कितना भी पैसा हो फिर भी नमक को ज़्यादा नहीं खा सकता ठीक है लेकिन सबकी ज़िंदगी में नमक होना चाहिए ठीक है नहीं ऐसा नहीं और सबको बराबर बराबर नमक की ज़रूरत पड़ती है सम्भाव की भावना है उन्होंने तो कहा यही काम करता हूं मैं ठीक है इसी को लेता हूं तो उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया बारह मार्च से ये चल दिए सावनवती से और छह अप्रैल उन्नीस को डांडी पहुंच गए थे ये आपको अच्छे से पता होगा है ना और वहां से एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने कहा कि तोड़ दिया मैंने नमक का कानून तो आप याद रखो भारत का कुल क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर है ये बताओ यहां बताओ बत्तीस लाख सत्तासी हजार बत्तीस लाख सत्तासी हजार तो ये होगा बत्तीस लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ किलोमीटर स्क्वायर राइट आंसर ये आपको पता होगा जिस दिन गए थे अठहत्तर हाँ, लोग थे और बाद में धीरे-धीरे लोग जुड़ गए थे बात यह भारत को किस देश के साथ अलग करती है तो आप याद रखो वह भारत को पाकिस्तान के साथ अलग करती है ठीक है राइट आंसर धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है धुआंधार जलप्रपात तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है तो धुआंधार जलप्रपात एक तो एम में है और किस नदी के किनारे पर बना हुआ तो यहाँ पर भेड़ाघाट यहीं पर है तो वहीं पर बना हुआ है वहीं इसी के पास है ये धुआंधार जलप्रपात है ना लालीना ठीक है ला महासागर में उत्पन्न होती है लालीना जो समुद्री धारा है वह कौन से महासागर में उत्पन्न होती है हिंद में, महासागर में प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर में आर्कटिक महासागर में क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए और जुड़ते जाओ यहाँ पर लाल क्या है प्रशांत महासागर की घटना है प्रशांत महासागर में ये, ये क्या ठंडी धारा है ठंडी ये कहाँ चलती है ये पेरू के पास चलती है ये पेरू के पास चलती है इस कारण यहाँ पर मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है और पेरू में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती लेकिन लालिनों का प्रभाव होता है कि भारत में भयंकर वर्षा होती है लालीना से भारत में भयंकर वर्षा होती है और एल निनो से भारत में बहुत कम वर्षा होती है सूखा पड़ जाती है तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश भरतपुर हाँ नीलम कुमारी रोजाना क्लास होती है रोजाना करेक्ट टाइम पे आना है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है तो आपको याद रहना चाहिए भरतपुर कहां पर होगा राजस्थान में यहीं पर केवला देव है भरतपुर वहीं क्या है केवला देव है इसको भी आपको याद रखना केवला देव केवला देव केवला देव कैला देव केवला देव है ना यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं बहुत सारे अगर आपको पक्षियों में इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप केवला देव देखे जरूर आए ठीक है नहीं भरतपुर ज़्यादा दूर नहीं है आगरा से आगरा मेरा मुकाम है तुम तो यहाँ पे आ जाओ कभी ठीक है नहीं वहां से चले जाना वहाँ से मुश्किल से थोड़ी सी दूरी पे ही है ठीक है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य केवला देव ठीक है याद रखना आगे चलते हैं एशियाई शेरों का निवास स्थान किस राष्ट्रीय उद्यान में है बताइए एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं ये तो आप निश्चित रूप से बता सकते हो ये तो आप निश्चित बता सकते हो और आप बताओगे बताओ एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है ठीक है तो यहाँ पर क्या एशिया शेर कहाँ मिलते हैं गिरी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं ये कहाँ पर है गुजरात में गुजरात में आपको पता होगा यहाँ पर यहाँ पर है गिरी राष्ट्रीय उद्यान ठीक है नहीं गिरी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना रहे यहाँ पर एशियाई शेर यानी एशियाई शेर का एकमात्र घर है गिरी ठीक है वो है तो आप गिरी याद रखें किस वर्ष को जनसंख्या की विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है जनसंख्या की विभाजन का मतलब होता है कि उससे जनसंख्या एक बार पहली बार जनसंख्या गिरी थी और फिर जनसंख्या बढ़ने लग गई उसी को कहते हैं महान विभाजक वर्ष तो महान विभाजक वर्ष कब आया था क्योंकि हमारे अकाल वगैरह हो गया था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी की बात है ध्यान रखना इसके बाद भारतीय जनसंख्या कभी भी कम नहीं हुई कभी भी कम नहीं हुई लगातार बढ़ती गई है बढ़ती गई बढ़ती गई पहली बार भारत में कमी दर्ज की गई थी बस उन्नीस में उसके बाद आज तक तरस रहे हैं सर सीटड वाले डाल पाएंगे क्या झारखंड में हाँ सीटड वालों के लिए ये कर तो दिया है अब इसके बाद देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या चल रहा है वहाँ पर किस वर्ष को जनसंख्या विभाजित उन्नीस सौ इक्कीस श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी ठीक है श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी फरवरी उन्नीस को है ना फरवरी उन्नीस तो बीज रहा है श्रीलंका का जो आ, श्रीलंका श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनीपुरा पहले कोलम्बो थी अब श्री जयवर्धनीपुरा हो गई है ये बात आपको याद रहनी चाहिए भूटान की राजधानी कौन सी है तो काठमांडू ढाका थिम्फू या यंगून बताइए भूटान की राजधानी कौन सी है और हाँ शाम को ई एम इसका का पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो इसलिए सारे लोग तैयार हो जाओ वहां पर जरूर आना है सभी को भूटान की राजधानी कहां पर है तो भूटान की राजधानी कौन सी है ये थिम्फू है याद रखना थिम्फू पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र नद को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को कहा जाता है पृथ्वी पर नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं बताओ भौतिक मानचित्र बीज राइट आंसर खत्म इसी को क्या करें खत्म पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है जल से घिरा हुआ है चलिए तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है अगला प्रश्न आप लोगों को यह बताना है कितना जल से घिरा हुआ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे महासागरी संसाधन खुले महासागरों से संबंधित और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकते ठीक है नहीं दो सौ मील यानी हमारा ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है ईडब्ल्यू एस 200 माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स दैट्स द राइट आंसर। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है किसकी भूजल की, की? सही बात लग रहा है निम्न में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है बताओ चलिए जी इसमें क्या होगा महासागर महासागर हो गया ठीक है किस राज्य में बन का सबसे अधिक विस्तार है किस राज्य में बन का सबसे अधिक विस्तार है केरल में कर्नाटक में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बताओ बन का विस्तार कहां पर है सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश मुझे तो प्यास लगने लगी यहां पे पानी नहीं है सबसे बड़ी बात यह है. है ना चलो कोई बात नहीं है आगे चले भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां पर लगाया गया दार्जिलिंग में शिव समुद्रम शोर या भटिंडा तो आप याद रखो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था ऐसा आपको याद रहना चाहिए ठीक है नहीं तीन बजे से क्लास होती है नीलम तीन बजे से आज मैं थोड़ा सा लंबा क्लास साढ़े बजे तक क्लास लूंगा बस ज्यादा नहीं ले रहा हूँ बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है जूट में ठीक है तांबे में सीमेंट में या एल्यूमिनियम में बताइए बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है जूट में तांबे में सीमेंट में या एल्यूमिनियम में बताइए तो इसका जो राइट आंसर क्या है एल्यूमिनियम इज राइट आंसर ये आपको अच्छे से पता होगा ठीक है नहीं आगे चले चलते हैं कांडला पत्तन किस राज्य में है कांडला कांडला पत्तन किस राज्य में है जल्दी बताओ कांडला किस राज्य में है जल्दी 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 बताओ कांडला 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 का नाम भी बदल गया दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है लेकिन नाम बदलने से जगह थोड़ी बदल जाती है ठीक है नहीं तो कांडला जो है वो कहां पर है नहीं कांडला कहां लिख दिया हमने गुजरात में कांडला कहां पर गुजरात में गुजरात में कहां पर है ये रहा ये रहा यहाँ पे ठीक है कांडला ठीक है इसका नाम क्या है दीनदयाल उपाध्याय कौन सा दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है ठीक है नहीं हाँ अरे निशान लग गया था ऐसे ही वेस्ट बंगाल पे मैंने देखा नहीं था इतना तो पता ही होगा मुझे है ना विश्व <laughs> में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य पे होती है किस जगह पर होती है तो उसका नाम मोसिम राम है जैसे कि आपको पता होगा मोसम राम ठीक है नहीं मोहसिम राम गुवाहाटी चेरा पूंजी चेरापूंजी का पहले नाम था फिर मोहसिम राम ठीक है नहीं जी टेट में क्लास है हाँ बिल्कुल है आज झारखंड की तो क्लास लिया मैंने हर शनिवार इतवार को झारखंड की स्पेशल क्लास लिया करूंगा दो दो घंटे ठीक है तो आप बिल्कुल भी तनाव और टेंशन मतलब बिल्कुल भी विश्व में कौन अनवीकरणीय संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन है जीवाश्म ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है चिली किस महाद्वीप में स्थित है चिली अफ्रीका एशिया दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका बताओ चिली चिली कहां पर है चिली चिली पटेटो चिली पटेटो चिली पटेटो नाम सुना, चिली पटेटो वही है चिली पटेटो अरे भैया चिली कहाँ पर है चिली ये रहा ये रहा चिली यहीं पर एंडीज माउंटेन और है चिली की राजधानी का सेंटियागो ठीक है नहीं और कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में सीधी बात है तुम्हें तो सामने था फिर भी इतना सोच विचार कर रहे हो ठीक है नहीं इतना सोच विचार मत किया करो ओके चलो संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है सम्वरती सूची वरती सूची का प्रावधान के देश से लिया गया है सम सम सं, समान समान क्या होते गधे घोड़े सही समान नहीं होते तो गधे कहाँ पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया <laughs> क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो नाम ट्रेलिया ठीक गधे को ट्रे में लिया ऑस्ट्रेलिया है ना <laughs> ऐसा हो जाता है ना चलिए ठीक है आगे चलते हैं भारत में एक संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव किसका होता है एकल संक्रमणीय से तो भारत के राष्ट्रपति का होता है तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं तो याद करने की जरूरत तो नहीं दक्षिण अफ्रीका आयरलैंड अमेरिका रूस तो आप याद रखो आयरलैंड से लिए गए हैं डी पी एस पी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होना चाहिए राज्यसभा के कार सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है ये बताओ छ वर्ष होता विशिष्ट व्यक्तियों और साधारण व्यक्तियों की वोट का मूल्य होता है भारत में विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति की वोट का मूल्य हमारे यहाँ पर क्या ज्यादा विशिष्ट व्यक्ति होता है ज्यादा वोट डाल पाता है ऐसा नहीं है एक ही होता है बात खत्म एक ही होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त कितने क्या कार्यकाल होता है तो यहाँ पर क्या छह वर्ष या पैसठ वर्ष भारत में सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भारत में सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो भैया राष्ट्रपति करता है बात ये बात है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस सूची में से कब हटाया गया संपत्ति के अधिकार को बोले अधिकार की सूची कब हटाया गया चवालीसवे संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा याद रखना जनता पार्टी थी उस समय पर निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है जो चना जो चना मटर मटर सरसों सरसों तो यह है सोयाबीन इज राइट आंसर सी इज राइट आंसर चलिए तो आज हम केवल मैराथन में आज इतना ही क्लास लेंगे आज हमने बहुत सारे प्रश्न करा दिए झारखंडी झारखंड क्लास यहाँ पे हो ही गई है इसी प्रकार से हम आपके लिए झारखंड के लिए झारखंड के लिए भी आपके लिए लगातार लगातार मैराथन लाते रहेंगे लगातार ठीक है नहीं और इसके अलावा अगर आपको ठीक है कुछ भी अगर हमसे पूछना हो कोई भी कोर्स अगर हमसे पता है आपको खरीदना हो ठीक है हम मुझसे कुछ तुम्हें बात करनी हो पी प्राप्त करनी हो ठीक है तो आप क्या करें मेरे पास टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ये है मेरा टेलीग्राम देखा है ना वीडियो से पहले ही आपका यहाँ पर आ जाता है छब्बीस हजार पद संपूर्ण जीएस और एसएसटी एस महामैराथन याद रखना ये है अब इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं मर्जी है आपकी तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी आप जा सकते हैं टेक्स्ट बुक कर ऐप पर जाकर आप एक काम कर सकते हैं बस ज़्यादा नहीं करना है आपको यहाँ पर सुपर कोचिंग पर जाना है सुपर कोचिंग पर जाने के बाद यहाँ पर टीचिंग एग्जाम में जाना है और टीचिंग एग्जाम में यहाँ पर ढेर सारे वो हैं ठीक है जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि अगस्त में जगह आएंगी आएंगी कोई नहीं रोक सकते ठीक है ना ये तो हो है इसका मर्जी है ये क्लास तो फ्री रहेगी हमेशा क्लास चलती रहेगी ये पेड़ क्लास हैं ठीक है ये सारी के सारी अपने आप में क्या है पेड़ क्लास हैं ये बात आपको जो भी कोर्स अगर आपको परचेज करना हो वो आप परचेज कर सकते हैं ठीक है, है बाकी आपकी मर्जी है ठीक है सुपर टेट का भी यहाँ पर कोर्स है ये रहा यहाँ पर देखो ये रहा कोर्स अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है ठीक <laughs> है ना <laughs> तो यहाँ पे कोर्स है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं ये इतने रुपए का कोर्स है ठीक है राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा यहाँ पर राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो ये जरूर कर लेना अगर आप चाहो तो ठीक है ऐसा कोई वो नहीं है कि करना ही करना है मर्जी है तुम्हारी ठीक है नहीं राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है तो देखो अभी ये एक हज़ार नौ सौ निन्यानवे का बता रहा था अभी ये एक हज़ार तीन सौ सत्तर रुपये का बताने लग गया है कोर्स ठीक है नहीं तो यहाँ पर आप इस कोर्स को चाहें तो परचेज कर सकते हैं ठीक है नहीं और बाकी अगर आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं यहाँ पे देखो सारी की सारी क्लासें मिलेंगी आपको ठीक है भाषा की भी सामान्य ज्ञान की सामाजिक विज्ञान की ठीक है नहीं सामाजिक विज्ञान की बी क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगी देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ सोशल स्टडीज़ फुल कोर्स ये रही मैं ये यह मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पर आपको बी फुल कोर्स ये आपको ध्यान ध्यान रखना ये सारा का सारा है कंप्लीट प्रिपरेशन आप सब लोगों की यहाँ पर हो रही है ठीक है नहीं टॉपिक आपको देखो ये सारे टॉपिक मिलेंगे ये सारे टॉपिक दिखाई देना आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे तो इसको आपको पूरा के पूरा पढ़वाया जाएगा ठीक है नहीं चलिए तो अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर मैं अपना नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा तो वहां से आप मेरे साथ भी आ सकते हैं जुड़ भी सकते हैं ठीक है ना ओके चलिए सुन मैम लेती हैं मृदुला मैम है वो लेंगी क्लास ठीक है और मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा पूरा पूरा यहाँ पर मैं सारी चीज़ें करवा दूँगा वहाँ पर क्योंकि एक ही टीचर पता सारी चीज़ें नहीं ले सकता नहीं पढ़ा सकता ना वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाती हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना चलिए व बाय टेक केयर सब लोग अपना ध्यान रखें जय हिंद जय भारत